मंदसौर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान नाटकीय रूप से लोट लगाकर पहुंचे साकतरी के 65 वर्षीय बुजुर्ग शंकरलाल पाटीदार के मामले में कलेक्टर ने किया बड़ा खुलासा। 14 वर्ष से परेशान तथा अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले बुजुर्ग शंकरलाल पाटीदार ने सहानुभूति पूर्वक जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त कर मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार ने त्वरित कार्रवाई करके मामले की जांच की। वहीं सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले बुजुर्ग के मामले में कलेक्टर ने खुलासा करते हुए कहा कि शंकरलाल पाटीदार की भूमि पर किसी भूमाफियों का कब्जा नहीं है और जो भूमि विक्रय की गई है उस पर भी शंकरलाल पाटीदार ने कब्जा किया हुआ है। रायनिक न्यूज शहरी के लिए खास रिपोर्ट। कल जनसुनवाई में श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी ज़मीन को किसी और को फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। जब इसके संबंध में प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से लिया गया तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि सर्वे नंबर 604 और 625 जिसका कुल रकबा है 3.52 हेक्टेयर, वो श्री शंकरलाल पिता फूलचंद और उनके सह खातेदारों के नाम पे चली आ रही थी, वो जिसपे खेती दोनों कर रहे थे। श्री शंकरलाल जी के जो सह खातेदार है उन्होंने 2010 में उस जमीन को रजिस्ट्री के माध्यम से बेच दिया गया था और उसका नामांतरण भी हो गया है, परंतु जिन्होंने खरीदा है उन्होंने अभी उनको कब्जा नहीं मिला है, अभी भी कब्जा श्री शंकरलाल जी का ही है और वो ही खेती करके उस पर काबिज है। श्री शंकरलाल जी का ये कहना था कि वो गलत हुई है रजिस्ट्री, तो उसके लिए उनको बेसिकली हमने समझाया है, समझाइश दी है कि या तो रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट में चैलेंज करें या फिर उसके संबंध में यहाँ पे ऐसा कोई मतलब पेंडिंग नहीं है कार्रवाई जिसपे हम कार्रवाई कर सके। और जहाँ तक बात कब्जे की है, अभी भी आवेदक का ही कब्जा है पूरी जमीन पे, 1/2 खुद की वाली पे भी और जो बेचा गया है उनके सह खातेदारों द्वारा, जो उनके परिवार के अन्य मेंबर है उनके द्वारा जो बेची गई है उस पे भी अभी आवेदक शंकरलाल जी का ही कब्जा है, तो अभी वही खेती करते आ रहे हैं, कब्जा भी इन्हीं का है। जो विक्रय की गई है उसके संबंध में क्योंकि रजिस्ट्री हुई है और नामांतरण हुआ है तो वो उसके संबंध में यहाँ से कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है।